नमस्कार डियर चिल्ड्रन। सो डियर चिल्ड्रन, वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे चैप्टर नंबर 9 ऑफ फिजिक्स चैप्टर। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 9 फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट? एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द क्लासेस ऑफ द फोर्स, देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड नॉन बैलेंस्ड फोर्स। एंड वी हैव स्टडीड दैट अकॉर्डिंग बाय गिविंग द फोर्स वी कैन चेंज द शेप, साइज एंड मोशन, रेस्ट, डायमेंशन। दीज आर द थिंग्स डायरेक्शंस वी कैन चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स। सो स्टूडेंट, हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस एग्जांपल यू विल बी वेरी क्लियरली अबाउट द फोर्स, व्हाट विल बी चेंजेस हैपन व्हेन वी आर गिविंग फोर्स, व्हेन वी आर अप्लाई द फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें बताना है जो भी यहाँ केसेस दिए हुए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। स्टेट द फोर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजेस, हमें इसके अंदर बताने हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो फर्स्ट इज अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स। एक स्प्रिंग है उसे हमने स्ट्रेच किया है बाय अ फोर्स से, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, स्प्रिंग स्ट्रेच करने से उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। सो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अ स्प्रिंग, शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस। उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस होगा। स्प्रिंग आपने देखी है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे शेप एंड साइज चेंज होंगे। एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज, स्प्रिंग की लेंथ भी इंक्रीज होगा। शेप एंड साइज चेंज होंगे एंड लेंथ भी इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड? वन एग्जांपल। सेकंड इज अ फील्डर कैचेस अ क्रिकेट बॉल। एक फील्डर ने कैचेस किया है क्रिकेट बॉल को कैच किया है फील्डर ने। सो द स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल बिकम्स जीरो। कोई फील्डर है उसने क्रिकेट बॉल को कैच किया है, राइट? सो द स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल कम्स जीरो। तो इस हमें कैच करने के बाद जो क्रिकेट बॉल थी वो किस कंडीशन में आ गई है, वो स्ट्रोक कंडीशन में आ गई है। सो वहाँ पे द स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल बिकम जीरो। उनकी स्पीड जो थी वो कैसी हो गई है, जीरो हो गई है। नेक्स्ट इज ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग कार। कोई कार मूविंग है उसके ब्रेक्स अप्लाइड हुए तो उनकी स्पीड कैसी हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। एंड देन उस कार जो आ गई वो आ गई रेस्ट कंडीशन में। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे हमने कार स्टार्ट की, स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट में थी, जैसे हमने मोशन लगाया उसमें स्पीड बढ़ाई, स्पीड इंक्रीज हो गई, फिर थोड़ा नॉर्मल हो गई, फिर वो वापस डिक्रीज हो गई। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट्स एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी अप्लाइंग अ फोर्स इट विल चेंज अ शेप, साइज, डायरेक्शन। शेप, साइज, डायरेक्शन चेंज होती है उनकी, और उनकी कंडीशन भी चेंज होती है, राइट? मोशन में है या रेस्ट में है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट कमिंग टू अ इनर्शिया। नेक्स्ट पॉइंट कमिंग अ इनर्शिया। व्हाट इज अ इनर्शिया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज अ इनर्शिया? इनर्शिया से हमें क्या क्या समझते हैं, व्हाट इज द इनर्शिया? सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ इनर्शिया। सो स्टूडेंट, इसे आप अच्छे से समझिए पहले। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि एक रेजिस्ट करता है एनी चेंज को। एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, ये रेजिस्ट करता है एनी चेंज ऑफ ए बॉडी को। स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहना चाहेंगी, मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहना चाहेंगे, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही बने रहना चाहेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द एनी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट,
state of motion and state of straight line motion. Now, according to this condition, inertia is three different type. According to this condition, inertia is three different types. Inertia is inertia of rest, inertia of motion, right, and inertia of direction. And inertia of direction. So here there is a three type of inertia, students. Inertia. First, inertia. Inertia of rest, right? Inertia of motion and inertia of direction. Inertia of direction, right? Inertia is the property of a body to resist any change in state of rest or uniform motion in a straight line. Inertia of rest, that means अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहना चाहती है. दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसे हम देखेंगे कि हमने ट्री में देखे कुछ लीव्स डैमेज होती है, नीचे गिरती है, नीचे गिरने पे धीरे 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 नीचे गिरेगी क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में थी. लेकिन हवा चली और अगर लीव चढ़ती हैं तो वो नीचे गिर के धीरे 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 वापस रेस्ट में आ जाती हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम कोई भी चीज़ को यूज उठाते हैं तो जब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक कि उसमें कोई फोर्स नहीं लग जाता है. आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ही उसमें उनके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है. दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, मूविंग का कार है, क्रिकेट बॉल है, फैन है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन जो मोशन में है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. वो तब तक उस कंडीशन में रहेंगे तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो तभी चेंज होगी जब उसमें पर्टिकुलर फोर्स लगाया जाएगा. दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. जब तक कि हम उसमें कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे उनकी. सो आफ्टर दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हेन वी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, वन इज चॉक एंड वन इज बुक. सो इन विच ऑब्जेक्ट इनर्शिया इज लार्ज. अगर हम बात करें चॉक की और एक बुक की तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? इनर्शिया ज़्यादा होगा बुक का, बिकॉज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही होगा. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर हम कंपेयर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कि पेंसिल का इनर्शिया ज़्यादा होगा या बुक का इनर्शिया ज़्यादा होगा, सो द आंसर इज बुक. 5 kg वेट वाले किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा या 10 kg, सो 10 kg. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो आई होप यू क्लियर अबाउट द इनर्शिया. द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द इनर्शिया. इनर्शिया इज थ्री टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. राइट स्टूडेंट्स, सो नोट डाउन इन योर रजिस्टर फर्स्ट ऑल ऑफ यू. बना ले यार, इसको कंप्लीट कर यार, बहुत ही बोरिंग काम है ये यार.
Thank you.